भारत का डंका दुनिया में बज रहा है, चाहे डिफेंस सेक्टर हो या फिर कोई दूसरा सेक्टर। भारत ने अपनी कामयाबी का लोहा मनवा ही लिया है। इसी कड़ी में इंडियन रेलवे ने एक बार फिर बड़ा धमाका कर दिया है और फिर से ऊंचाई को छू लिया। अब वंदे भारत ट्रेनों की बात की जाए तो लगातार इनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है, वही बुलेट ट्रेन का काम भी तेजी से चल रहा है। लेकिन रुकिए, इंडियन रेलवे ने इस साल के अंत तक एक ऐसी ट्रेन चलाने का फैसला किया है जिसे देखकर आप बाकी ट्रेनों को भूल जाएंगे। दरअसल ये ट्रेन ना ही बिजली और ना ही तेल से चलेगी, ये सिर्फ हवा से चलेगी, यानी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन दिसंबर 2023 से शुरू होने वाली। चलिए आप ध्यान से समझिए कि इस ट्रेन की खासियत क्या है। सबसे पहले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को कहते क्या है, ये जान लीजिए कि इसको हाइड्रेल कहा जाता है। इस ट्रेन की खासियत की बात करें तो ये ट्रेन बिना धुआं छोड़े चलती है, जिससे प्रदूषण नहीं होता। इस ट्रेन में टोटल 4 ही कोच होंगे और तो और ये ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1000 किलोमीटर तक दौड़ सकती है। हालांकि भारत में चलने वाली ये ट्रेन फिलहाल 100 किलोमीटर की दूरी ही तय करेगी, लेकिन बाद में इसकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा। भारतीय रेलवे के कपूरथला और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इन ट्रेनों को तैयार किया जा रहा है। अभी जानना जरूरी है कि हवा से चलने वाली ये ट्रेन कहां चलेगी। दरअसल सबसे पहले ये ट्रेन हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी, इसके बाद दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, माथेरान रेलवे, कांगड़ा घाटी, बिलमोरा वाघई और मारवाड़ देवगढ़ मदारिया रूट पर चलेगी। अब हाइड्रोजन ट्रेन की बात हो रही है तो जरा इस ट्रेन को विस्तार से समझ लीजिए। हाइड्रोजन ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन होती है। इस रेलगाड़ियों में डीजल इंजन की बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स लगाए जाते हैं। ये ट्रेनें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या पार्टिकुलेट मैटर जैसे हानिकारक प्रदूषकों का उत्सर्जन यानी एमिशन नहीं करती। इन ट्रेनों के चलने से प्रदूषण को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। बता दें, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बदलकर बिजली पैदा की जाती है और इसी बिजली का इस्तेमाल ट्रेन को चलाने में किया जाता है। ये तो आपने जान लिया कि हाइड्रोजन ट्रेन क्या और कैसे चलेगी, स्पीड क्या होगी, लेकिन अब बात की जाए डीजल और हाइड्रोजन ट्रेन के बीच के अंतर के बारे में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हाइड्रोजन ट्रेनें डीजल से चलने वाली ट्रेनों के मुकाबले काफी महंगी होती हैं। रिसर्च और रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक ग्रीन हाइड्रोजन का खर्च 492 रुपए प्रति किलोग्राम होता है, यानी डीजल के मुकाबले हाइड्रोजन ट्रेनों का ऑपरेशन करना 27% महंगा पड़ता है। अब जाते जाते हाइड्रोजन ट्रेन सबसे पहले कहां शुरू हुई थी ये जान लीजिए। जर्मनी में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेनों का ऑपरेशन शुरू किया गया था। वहां कुराडिया आइलैंड ट्रेन चलती है जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से दौड़ती है। वहीं फ्रांस की कंपनी एल्स्ट्रॉम ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को तैयार किया था। 2 साल के टेस्ट रन के बाद साल 2018 में इन्हें यात्रियों के लिए खोल दिया गया था। खैर, भारत में ये ट्रेन दिसंबर 2023 से शुरू होने वाली है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ग्रीन इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन ट्रेनों को चलाया जा रहा है और आधुनिक सुविधाओं से लैस हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत होने के बाद रेल से सफर का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। आपका क्या कहना है भारतीय रेलवे की इस उपलब्धि को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।